नमस्कार, मैं जिगिशा और एटीएन टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। 149 साल बाद गुरु पूर्णिमा पर भारत समेत दुनिया के कई देशों में दिखा चंद्र ग्रहण का अद्भुत नजारा। क्या आज होगी पाकिस्तान जेल में बंद कुलभूषण जाधव की रिहाई? इंटरनेशनल कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। मुंबई में 100 साल पुरानी इमारत गिरने से अब तक 10 लोगों की हुई मौत, 12 घंटे बाद भी मलबे में फंसे कई लोग। एग्जाम में नकल करता पकड़ा गया था भाजपा अध्यक्ष जीतू वाघाणी का बेटा मित वाघाणी, लग गया है 3 साल का बैन। सुप्रीम कोर्ट को मिलेगी 885 करोड़ की लागत से बनी नई बिल्डिंग, राष्ट्रपति कल करेंगे उद्घाटन। मुजफ्फरनगर में ताबड़तोड़ एनकाउंटर में 24 घंटे के भीतर मुठभेड़, पुलिस ने ढेर किए रोहित सांडू के दो और साथी। यूपी के शाहजहांपुर में लाठी बंदूक ले दबंगों ने पूरे गांव में लगाई फेरी, महिला बच्चे हुए घरों में कैद, जमकर चलाई गई गोलियां। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में विकेट लेने वाले जोफ्रा आर्चर के चचेरे भाई की बारबाडोस में हत्या कर दी गई। सानिया मिर्जा ने युवी संग एंजॉय किया डिनर, सागरिका जहीर विधि के साथ। पंजाब के बठिंडा में गौशाला की छत गिरी, 100 से अधिक गाय दबी। शेयर बाजार की सपाट शुरुआत बिना किसी बदलाव के साथ 68.71 के स्तर पर खुला रुपया। जम्मू कश्मीर के बारामूला के सोपरे में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुआ मुठभेड़ जारी। जुलाई के अंत में फिर होगी चंद्रयान 2 को लॉन्च करने की कोशिश। हरियाणा के नैना समेत 4 विधायकों को 6 अगस्त को विधानसभा में होना होगा पेश, स्पीकर करेंगे सुनवाई। राजस्थान में स्कूल के बच्चों को बढ़ाया जाएगा कि दुष्कर्म की सजा फांसी, सिलेबस में शामिल होगा अध्याय। मुंबई में नो पार्किंग में खड़ी थी मेयर की गाड़ी, ट्रैफिक पुलिस ने लगाया जुर्माना। उदयपुर में एयरपोर्ट पर यात्री से मिली एयर गन और प्लेट्स, विस्फोटक की आशंका। कर्नाटक के राजनीतिक संकट के बीच विधायकों के साथ क्रिकेट खेलते नजर आए भाजपा नेता येदियुरप्पा। यूपी में योगी सरकार के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बने नए भाजपा अध्यक्ष। मुंबई का घर बेचकर पति आनंद आहूजा के पास लंदन शिफ्ट हो सकती है सोनम कपूर।